उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, इसमें तमाम ऐसे नाम हैं जो बहुत चर्चा में रहते हैं अपनी कार्यशैली को लेकर, कुछ अधिकारी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, तमाम सारी बातें यहाँ चलती रहती हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े अफसर हैं और उनके जीवन में निजी तौर पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर चर्चा करने का बहुत ज़्यादा अवसर तो नहीं आता, लेकिन वो उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने आनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में वैसे सब कुछ बहुत हल्के में होता है, मजाक के तौर पर लेते हैं, लेकिन आज ये खुलासा मैरिट बेस्ड कैडर बदलाव के एक खेल से जुड़ा हुआ लगता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादी कोई खेल नहीं है, लेकिन शायद IAS अफसरों के लिए ये खेल भी हो, क्योंकि एक ताज़ा उदाहरण हम आपके सामने लाए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 बैच की IAS अधिकारी हैं सौम्या पांडे, वो प्रयागराज की रहने वाली हैं, वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखती हैं और वर्तमान में कानपुर देहात की CDO हैं। सौम्या ने 2018 में दिल्ली के रहने वाले IAS अफसर डॉक्टर नितिन गौर, जो 2016 बैच के IAS हैं, उनसे शादी की थी। नितिन उस समय जब शादी हुई तो वो छत्तीसगढ़ कैडर में तैनात थे, मूलतः वो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन जो मैरिज बेस्ड कैडर बदलाव की व्यवस्था है DOPT के द्वारा, वो नितिन के हक में गई और उन्होंने अपना कैडर बदलवा कर उत्तर प्रदेश कर लिया, चूँकि उनकी पत्नी यहाँ उत्तर प्रदेश कैडर में तैनात थी। केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था देती है कि पति और पत्नी अलग अलग राज्यों के कैडर में नौकरी ना करें, वो जहाँ चाहें दोनों एक जगह मर्ज होकर एक स्टेट में नौकरी कर सकते हैं। और इसके लिए एक अनिवार्यता यह है कि मैरिज जो होगी उसका 2 साल चलना अनिवार्य है। तो जो डॉक्टर नितिन गौर हैं वो इस समय गाज़ियाबाद नगर निगम के कमिश्नर हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। वैसे नितिन गौर और सौम्या के बीच 18 में शादी हुई और अब तलाक हो गया है, लेकिन तमाम सारी चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं से पहले नितिन गौर के बारे में ये कहना थोड़ा ज़रूरी होगा कि हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ रही हों, लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें थोड़ा अलग करती रही है। नितिन जब उत्तर प्रदेश आए थे तो मुजफ्फरनगर में उनको SDM बनाया गया था। उस समय सरकार की गाड़ी जो थी कंडम थी, SDM के पास चलने लायक नहीं थी। उन्होंने नई गाड़ी नहीं ली और वो रोडवेज से और ऑटो से डेली अपनी तहसील में आते जाते थे। एक कहा जाए उन्होंने जो एक मिसाल पेश की थी सादगी की, वो लोगों को प्रभावित करती थी। और दूसरा, वो पेशे से MBBS MD डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर और मरीज लोग जनता के प्रति उनके मन में एक ये भी लगाव था। लेकिन 2 साल की बाध्यता खत्म होने के बाद अचानक से सौम्या और नितिन में तलाक हो गया। ये तलाक अब चर्चा में है। अब इस बात की भी चर्चा है कि मैरिज बेस्ड कैडर बदलाव को लेकर जो DOPT का नियम है, क्या उसमें कुछ बदलाव के बारे में सोचना चाहिए? क्या ऐसा है कि कुछ लोग सिर्फ अपना कैडर बदलवाने के लिए इस तरह की शादियां करते हैं, जिसे कि लोग इन नियमों का दुरुपयोग भी मानते हैं, कुछ लोग इसे नैतिकता के खिलाफ भी मानते हैं? इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा उदाहरण है, जब लखनऊ के पूर्व DM रहे अभिषेक प्रकाश और यहीं पर IAS अधिकारी अदिति सिंह के बीच तलाक का मुद्दा गरमाया था और आखिरकार दोनों में तलाक हो गया। लेकिन अभिषेक प्रकाश जो UP आए थे, वो भी इसी मैरिज बेस्ड कैडर के आधार पर उनको मौका मिला, क्योंकि वह नागालैंड कैडर के IAS अधिकारी थे। वो तो जब अदिति से उनकी शादी हो गई तो वो उत्तर प्रदेश कैडर में मर्ज हो गए, उनको अनुमति मिल गई और उसका फ़ायदा आप देख ही रहे हैं। शादी ज़्यादा दिन चली नहीं, लेकिन अभिषेक प्रकाश के चर्चे और कारनामे वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और राजधानी लखनऊ में बैठकर तो उन्होंने जो झंडे गाड़े, वो अतीत आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा कि एक अफसर
किस तरह से उसकी कार्यशैली हो सकती है, कितना निरंकुश और कितना दाग लेकर वो लखनऊ से गए हैं। फिलहाल शादी और तलाक ये पति पत्नी के निजी जीवन से जुड़ी किस्से हैं, लेकिन जब इसके आधार पर कोई अफसर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है, उसको एक तरह से कहा जाए लाभ मिलता है और बाद में वो शादी टूट जाती है, तो स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा होगी। आज ये किस्सा लोगों के सामने है। जो जानकार हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो मानते हैं कि शायद इस व्यवस्था का DOPT के थोड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि DOPT अपने इस नियम पर विचार करे, बदलाव करे, संशोधन करे, जिससे कि आगे इतनी आसानी से लोग शादी करके एक दूसरे को छोड़ ना सकें, तलाक ना दे सकें। तो एक सुझाव ये है कि DOPT को चाहिए कि वो मैरिज बेड कैदर की जो बदलाव की व्यवस्था है उसमें 2 साल की बाध्यता को हटाकर 5 साल कर दे। 5 साल अगर शादी चलने की अनिवार्यता हो जाएगी, तलाक नहीं ले सकते, तो उस 5 साल में बहुत पानी पति पत्नी के जीवन में बह जाता है, निजी जीवन में बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं वो धीरे धीरे सामंजस्य में बदल जाती हैं। 5 साल में लोग एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं, उनकी आदतों को से परिचित हो जाते हैं और वही रेलगाड़ी 2 पहिए की तरह मिलने भले ना लेकिन साथ चलते चलो, तो उस तरह का भी लाइफ कुछ हो जाती है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो अधिकारी इस कैडर बदलाव का मैरिज के आधार पर फ़ायदा उठाते हैं और 2 साल के बाद अगर वो शादी तोड़ देते हैं तो उनको उनके मूल कैडर में वापस भेज देना चाहिए, उनको उस स्टेट के कैडर में मर्जर खत्म कर देना चाहिए। यह भी एक बड़ी मार्के की बात आई है। इस देश में जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, अखिल भारतीय सेवा में लोग हैं, जरूरी नहीं सबका चरित्र आदर्श का।